पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं छोटी दुनिया की दो ऐसी प्यारी बच्चियों के साथ मौजूद हूँ जो कि जिमनास्ट चैम्पियन है। जी, मैं बात कर रही हूँ 8 साल अदन की और 5 साल ईशमल की, जो कि जिमनास्टिक करती हैं और उसकी ट्रेनिंग करती हैं। उनको ये शौक़ बहुत ही छोटी उम्र में हुआ और उनके इस शौक़ को देखते हुए उनके वालिद जाने के मिस्टर हसीब ने उनकी ट्रेनिंग की और अपने ही घर में उनके लिए एक मिनी जिम बनाया जहाँ पर ये बच्चियाँ प्रॉपर तरीके से अपनी जिमनास्टिक की ट्रेनिंग कर सकती हैं। वो क्या ट्रेनिंग है और ये उन्हें ये शौक़ किस उम्र से हुआ, तो आइए जानते हैं ये इन बच्चियों से और आपको दिखाते हैं इन्हीं की दुनिया। इश्मल से सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, इश्मल आपके नाम का मतलब क्या है? नहीं पता। वन रोज। ओह वाओ, माशाल्लाह। तो इश्मल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इतना क्यूट क्यों हैं? अच्छा, घर में सबसे ज्यादा शरारतें कौन करता है, अदन करती है या इश्मल? बच्चे मन के सच्चे हैं। तो इश्मल ने बता दिया कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा शरारती हैं। तो आप जो है कि क्या लाइफ में बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? जिमनास्टर बनना चाहते हैं। तो इश्मल का जो है वो फेवरेट फूड कौन सा है? चीनी पराठा। भाई, चीनी पराठा। और अदन को क्या पसंद है खाने में? दोनों को चीनी पराठा पसंद है। मुझे चॉकलेट पराठा। वाओ, मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है। तो आप दोनों में से जो है वो कब कौन सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करता है? मैं। सही कह रही हूं? इश्मल के पास जो है वो हर बात का एक जवाब है कि हम दोनों ही बेस्ट हैं, हम दोनों ही शरारती हैं और हम दोनों ही जो है वो अच्छा परफॉर्म करती हैं और दोनों ही जिमनास्टर जो है वो बनना चाहती हैं। तो आपको हमने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी करवाई और अब चलते हैं और इनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कब से वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जो इन्होंने घर में जिम वगैरह बनाया है इसके हवाले से भी तो उनके पेरेंट्स से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। लाइक ये तमाम जिम बनाने का पर्पज ये था कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। मेरे साथ 2 साल की फिर तब से ये लोग मेरे साथ लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरा लाइक हमेशा दूसरे बच्चों को भी एक मोटिवेशन रहता है कि मैं उनको मोटिवेट करूँ फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। तो जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते गए तो उनको उनका ये इंटरेस्ट डेवलप होता गया, इसलिए फिर हमने जब ये अपना मतलब जिम को बनाया तो इन बच्चों का हमने रखते हुए स्पेशली इस जिम को हमने बनाया। इसमें बनाने का मेन पर्पज ये था कि जैसे और आम एजुकेशन बच्चों के लिए ज़रूरी है, हम स्कूल वगैरह के लिए इसी तरीके से इनकी जिस्मानी तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी स्पोर्ट इनके फादर की भी इंकरेज करने वाले बट जरा लाइफ के बात ही कैसी भी जो है लाइफ स्टाइल बन रहा है। इट्स नॉट लाइक कि हम उन्हें किसी स्पोर्ट्स में लेकर जाना चाह रहे थे या जाना चाह रहे थे, बट हमें अपनी सराउंडिंग में स्पेशली कोविड के दौर से नाता हुआ और हेल्थी लाइफ स्टाइल सबके लिए कितना ज़रूरी है। तो चैलेंजिंग ऐसे नहीं है क्योंकि बोथ वन ऑन द सेम पेज, हम दोनों ही चाहते थे और हमें कहा कि इनकी आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए और इनकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सब्सक्राइब कल पाकिस्तान।